एवरीवन, आप देख रहे हैं स्मॉल वॉक्स और आपका स्मॉल वॉक्स में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम लोग आपको काफ़ी अच्छा अच्छा कलेक्शन दिखाएंगे, जहाँ पे शॉप का नाम है बेस्ट डील फोर व्हील, जो कि निराला नगर में पड़ जाती है। आप लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, आप लोग निषादगंज से टैक्सी स्टैंड से भी आ सकते हैं। यहाँ पे आईटी चौराहे पे उतर के आप लोग को ये शॉप मिल जाएगी, रामकृष्ण मठ के जस्ट राइट साइड में आप लोग को ये शॉप मिल जाएगी। और आज मैं आप लोग को काफ़ी अच्छा अच्छा कलेक्शन दिखाऊंगा, जिसमें लो बजट की गाड़ियाँ होने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को। तो सर आ चुके हैं, नमस्ते सर। नमस्ते, आपका हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ओके सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सुबोध तिवारी। ओके, और यहाँ पे आप खड़े हैं, ये शोरूम है हमारा बेस्ट डील फोर व्हील्स के नाम से, कार का बिग बाजार, निराला नगर लखनऊ। ओके सर, यहाँ पे सर कैसे आ सकते हैं, जैसे आईटी चौराहे पे उतर के आ सकते हैं? तो आईटी चौराहे से हमारा वॉकिंग डिस्टेंस है, हमारी 400 मीटर की दूरी है, टहलते हुए आ सकते हैं। ओके, और बाकी अगर ये जगह है तो आईसीआईसीआई बैंक के जस्ट सामने पड़ जाएगी, रामकृष्ण मठ के बगल में पड़ जाएगी ये शॉप। बगल में मेरे महिंद्रा का सर्विस स्टेशन है, ये काफी फेमस है, सारी बैंकें हैं यहाँ पे। ओके, तो आप बाकी तो यहाँ पे आसपास पूछ भी सकते हैं कि बेस्ट डील फोर व्हील कहाँ है, तो वो बता भी देंगे। और बाकी अगर आप लोग रास्ता नहीं जान पाते हैं तो आप लोग कॉल भी करके पूछ सकते हैं। आप मुझे फोन करिए, मैं बताऊंगा, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा, एड्रेस बता देंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज की सबसे पहली गाड़ी आपको। हमारी जो सबसे पहली गाड़ी है सर, वेगनार है। वेगनार से ही बात करते हैं। एक्चुअली मैं आज मैंने कुछ कम बजट की गाड़ियां भी आपके लिए उस पर रखी हैं। कुछ लोगों ने पूछा था कि कम बजट की गाड़ी आपके पास होती है कि नहीं होती है, तो आपके पास लो बजट में भी अवेलेबल है? बिल्कुल है, देखिए, लेकिन थोड़ा सा अच्छी गाड़ियाँ होती हैं जो भी मेरे पास में होती हैं। अभी मैं मॉडल किसकी बात करता हूँ, ये 2007 का मॉडल है, 2007 मॉडल लास्ट की है, 2007 की। ओके, ओनर फर्स्ट होगा, नंबर इसका UP78 कानपुर का है ये। ओके, और पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन होंगे इसमें। LXI मॉडल है ये, पावर स्टेयरिंग एसी वाली। ओके, और सर इसका फंक्शंस आपने बताया, पावर स्टेयरिंग एसी हीटर आपके, तो पावर स्टेयरिंग हो गई, एसी हो गया, ब्लोअर हो गया। ओके, और बाकी हो गया साथ में साइड मिरर सर ब्लैक कलर के मिलेंगे। हाँ, ये LXI मॉडल इसलिए साइड ब्लैक कलर के होते हैं, अगर BXI होती तो ये बॉडी कलर के हो जाते। ओके सर, तो इसलिए दरवाजे के हैंडल हो गए, ये हो गया। ओके, और विंडो का होता था BXI में, पहले दो ही पावर विंडो आते थे, फिर चार आने लगे, LXI में दो पावर विंडो आने लगे। ओके, फिलहाल इस समय नहीं आते थे, जबकि ये गाड़ी है, तो इसमें पावर स्टीयरिंग हो गया, एसी हो गया आपका, CNG हो गया। अगर सर इसके टायर की बात करें तो कंडीशन में टायर पड़े गाड़ी चारों के चारों टायर आप देखते हैं, थोड़ा बहुत अगर 19-20 आपको लगता है कि प्राइस में आगे पीछे हो रही है, ये गाड़ियाँ पूरी रेडी कर रखी मैंने। अगर किसी भी चीज़ की, चाहे मैं पेंटिंग की बात करूँ, चाहे मैं टायर से बात करूँ, चाहे मैंने इसके क्लच ब्रेक सस्पेंशन किसी भी, चाहे एसी की बात करूँ, या उसमें गैस नहीं थी, या उसमें एनी थिंग कुछ भी करना नहीं, चाहे वो लाइट गंदी थी, चाहे अंदर बाहर का हो, ये कंप्लीट गाड़ियां हैं, एकदम फाइनल ही है। हाँ, सर आपको नहीं करना उसके ऊपर, ना आपको बॉडी से कुछ करना, ना इंजन से कुछ करना, ना टायर से कुछ करना, ना इंटीरियर में कुछ करना। Okay. सुंदरीकरण अपना कुछ भी कर लें कि आपने सीट कवर डाली, आपने मैटिंग डाली, आपने झोला लटका लिया, वो तो है सर, सेंट की सीसी रख ली, वो एक अलग चीज़ है। Okay. बाकी गाड़ी में आपको कुछ भी नहीं करना, और 6 महीने की इंजन की गारंटी भी दे रहा हूँ मैं आपको। ओके सर, इसमें कितने सीसी का इंजन मिल जाएगा? ये 1000 CC का इंजन होता है, 1000 CC चार सिलेंडर, 1000 CC का। ओके सर, सबसे पहले तो ये चली कितनी हुई है सर? ये चल गई 60,000। 60,000 ओनरशिप, फर्स्ट ओनर, आस्किंग प्राइस तो हम 1,50,000 रुपये की करते हैं। ओके, बाकी निगोशियेबल है, जब भी आप बैठे होंगे कम हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी दिखा देते हैं, और नेक्स्ट गाड़ी भी सर हमारी वैगनार ही है, यही कलर की। हाँ, इसी कलर में एक वैगनार मेरे पास और भी खड़ी हुई है। ओके, तो चलिए वो भी दिखा देते हैं आप लोग को। ओके, आप लोग देख सकते हैं, ये भी गाड़ी पिछली बार की जो वैगनार दिखाए हैं उसी कलर की है, ये भी, और मॉडल इसका भी 2007 का होगा। ओके, नंबर वो कानपुर का था, ये 32 नंबर होगा, जिसको 32 नंबर चाहिए वो 32 नंबर भी ले सकता है, 78 नंबर चाहिए 78 भी। फर्स्ट ओनर ये भी गाड़ी होगी। ओके, और लगभग ये भी ऐसे ही 65-65 हज़ार चल गई है। ओके सर, सर जितनी चली है ऑन रिकॉर्ड चली है, ऑन रिकॉर्डेड होगी। ओके, और ये LPG होगी। LPG जी हाँ, ये LPG होगी, जो आपने देखी थी वो CNG है, CNG इसमें LPG होगा। ओके, तो जिसको LPG चाहिए LPG ले सकता है, CNG वाले CNG ले लें। टायर, बॉडी, इंजन, इंटीरियर, इसमें सीट कवर भी पड़े होंगे, तो कुछ भी नहीं करना है गाड़ी में आपको, आप चाहें तो गैस डालिए। और ये जो LPG होगा, ये कंपनी फिटेड LPG होगा। ओके सर, LPG भी ये कंपनी फिटेड होगा। ओके, बाकी कुछ करना ही नहीं गाड़ी में, फर्स्ट ओनर गाड़ी होगी, नंबर लखनऊ का हो गया, मॉडल 2007 का है। ओके, कंपनी फिटेड LPG पेट्रोल दोनों ऑप्शन होंगे। और बाकी सर अगर पेंट की बात करें तो इसमें कितने भाग पेंट है? नहीं, पूरी गाड़ियां पेंट रही हैं। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए जो भी चीज़ होगी मैंने आज तक कभी छुपाई नहीं बताई होंगी, ऐसा कुछ अगर मैंने पेंट किया तो मैंने बताया उस चीज़ पे, मैंने कोई काम किया तो भी बताया, मैंने छत छोड़ के पूरी गाड़ियाँ करी हैं ये,
उसकी भी बात करता हूँ, इसकी भी बात करता हूँ। तो पेंट पॉलिश तो मैंने कर रखा है और okay. उसके अलावा जैसे टायर का काम था जिसमें टायर भी किया, सस्पेंशन क्लच ब्रेक अगर जिसमें जो भी काम था, इस समय अब कुछ नहीं करना है, अब फाइनल है ये गाड़ी, बस लेके ही जाना है। और कोई भी मुझे लगता है कि आप अगर कहीं से गाड़ी लेके आ रहे हो 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए की, तो कोई आपको गारंटी नहीं देगा कि भाई सब 6 महीने आप चलाइएगा और उसके बाद कोई कमी बेची अगर मैकेनिकल आती है तो मेरे पास लेके आइएगा, मैं आपको सही करके दे दूंगा फिर से। ओके सर, अगर सर इसके मैं फंक्शन की बात करूँ तो इसमें भी वही फंक्शन मिल जाएंगे, हो गई एसी, हो गया आप लोअर, हो गया आपका ओके, कंपनी फिटेड हो गया, बाकी इसमें उस समय विंडो आते नहीं थे। ओके सर, ओनरशिप फर्स्ट ही है, फर्स्ट ओनर हो गया, आस्किंग हो गया, आस्किंग का इसकी भी 150 की ही करता है। ओके, तो यहाँ दो ऑप्शन है वैगनार के और दोनों सेम कलर के है, सेम कलर है, नंबर 78 है और 32 है। और वो सीएनजी में है, ये एलपीजी में है। ओके, जिसको जो चाहिए वो ले सकते हैं। बाकी मैंने बताया ना कि मैंने पूरी गाड़ी कम्प्लीट कर रखी है, तो रेडी है गाड़ियाँ, इनमें सब में कुछ भी नहीं करना है, बस फ्यूल डालिए, गैस डालिए, जो भी डालना है चलाइए, बस ले जाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी आपको दिखा देते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट गाड़ी है हमारी इओन है, इओन है, हाँ, हुंडई की। ओके, और मॉडल की बात करो इसका, तो मॉडल इसका 2019 का है, 2019 फर्स्ट ओनर ये भी गाड़ी होगी। ओके, और बात कर ले तो ये एडवोकेट की गाड़ी है, एडवोकेट साहब है एक हमारे कस्टमर, इनकी गाड़ी है ये। ओके, और 30,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है ये। ओके, रिकॉर्डेड होंगी फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में। और बाकी इसमें सर अगर पेंट की बात करें, छोटे मोटे पेंट पॉलिश किए हैं जैसे बम्पर किए हैं। ओके, और फेंडर वगैरह पे या जो भी स्क्रैच था वो रिमूव किया है, नहीं तो बाकी पूरी ओरिजिनल कंडीशन। ओके सर, ऊपर से यानी ओरिजिनल है। हाँ, छोटे मोटे जो भी साइड में स्क्रैच जैसे बम्पर किया है, मैंने बम्पर दोनों आगे पीछे टचअप किए हैं, फेंडर वगैरह पे स्क्रैचेस थे, एक दो साइड में स्क्रैच थे उसको रिमूव कर दिया है। ओके, बाकी पूरी ओरिजिनल होगी, लड़ी भिड़ी एक्सीडेंटल गाड़ियाँ नहीं होती अपने पास में, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ओके, और बाकी अपनी संतुष्टि के लिए आप उसको चेक कराइए, दिखाइए, आपको जब लगे कि हाँ लेने वाली है तभी बात करिए उस चीज़ की। और सर वेरियंट ये एरा प्लस होगी, तो इसमें आपके फ्रंट के दो पावर विंडो मिल जाते हैं, पावर स्टीयरिंग हो गया, एसी हो गया, ब्लोअर हो गया, एयरबैग सर मिलते हैं इसमें, ऑप्शनल में आया था लेकिन इसमें तो नहीं होगा फिलहाल। ओके, और इंजन की बात कर ले तो सर इंजन कितने सीसी का है? 814 सीसी का इंजन होता है, 814 सीसी का। ओके, और सर अच्छा देती है, करीबन 18 के आसपास का, 17-18 लोकल माइलेज निकाल देती है। ओके, छोटी गाड़ी है, शहर में कहीं भी आइए जाइए तो फर्स्ट क्लास है। और मेंटेनेंस की बात करें तो सर जितने कम प्राइस की गाड़ी उतना कम मेंटेनेंस, अगर मैं बात करूं कि भैया सीट का साइड मिरर अगर टूट गया तो लगता है कि ये 150 से 200 रुपए का है, बम्पर है वो 800 रुपए का है, टायर की बात करूं तो वो भी 2100 रुपए का है। ओके, तो जितने कम बजट की गाड़ी उतने कम खर्चे, सर्विस भी हो जाती है 2200-2200 रुपए में, 2500 रुपए में। ओके सर, आस्किंग वाली है, आस्किंग प्राइस तो इसकी 350 की है। ओके, और ये निगोशिएबल है, जब भी बैठे होंगे तो बार्गेनिंग करी जा सकती है। ओके सर, और बाकी आज की जो व्लॉग है उसमें तो हम लोग 5 लाख के अंदर की गाड़ियाँ दिखाएंगे, बिल्कुल सर दिखाएंगे, बिल्कुल दिखा देंगे। बाकी मैंने जैसे आपको 1.5-2 लाख रुपए की रेंज की गाड़ी है तो वो भी मैं अभी कुछ गाड़ियाँ और भी खड़ी हुई वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। ओके सर, आपके वहाँ स्टार्टिंग कितने से होती है? स्टार्टिंग की अगर बात करें तो इस समय देखिए हम लोग भी बहुत नीचे के मॉडल नहीं लेते हैं। Okay. नीचे के मॉडल बेचने में भी मुझे दिक्कत आती है, दिक्कत ये आती है तब हमें जब अगर नीचे के मॉडल में दिखाता हूँ तो कस्टमर कहता है कि भाई साहब अभी वो दिल्ली में 10 साल का सिस्टम चल रहा है, वो मुंबई में 15 साल का चल रहा है, हमारे यहाँ इतने साल का चल रहा है, अभी तो ये 6 महीने की बाकी है, तो मेन सिस्टम ये हो जाता है, जबकि 20 साल का सिस्टम है, 15 साल का आरआर है जो रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद 5 साल का आरआर होता है, 20 साल का सिस्टम है, और अभी भी जो नया कानून आया है उसके हिसाब से भी 20 साल का सिस्टम है, 15 साल का रजिस्ट्रेशन होगा, 5 साल एक बार और किया जा सकता है, जितनी भी प्राइवेट गाड़ियां हैं वो 20 साल के चलेंगी, उसके बाद फिर आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं। ओके, तो सब फर्स्ट क्लास गाड़ियां हैं। ओके, और नीचे वैसे भी अभी फिलहाल मेरे पास में करीबन 1 लाख रुपए से गाड़ी है। ओके, अभी प्रेजेंट टाइम में हाँ। ओके सर, इसमें अल्टो भी खड़ी हुई है और कुछ एक आध गाड़ियाँ और हैं। ओके, बाकी बहुत नीचे मॉडल हम भी नहीं रखते हैं, अगर बहुत नीचे का मॉडल है तो हम आपको ना उस पर गारंटी दे पाएंगे, ना मैं मीटर के बारे में कह पाऊंगा, ना कुछ अंदर बारह के, क्योंकि फिर आप समझ सकते हो सब चीज़ों को। ओके सर, बाकी आस्किंग की बात करें एक बार फिर से बता दीजिए, 50 की डिमांड करते हैं, 350,000। ओके, कुछ ना बाकी कम हो जाएगा सर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी आपको दिखा देते हैं। ओके गाइस, तो जो नेक्स्ट गाड़ी है हमारी वेगन आर है सर, वाइट कलर की। सबसे पहले तो कौन से ईयर का मॉडल है सर ये? ये 2017 का मॉडल है, VXI वेरिएंट है। ओके, ओनर फर्स्ट है, लखनऊ का है, कलर आपका वाइट हो गया, और फॉग लैम्प का ऑप्शन मिल जाएगा, बम्पर बॉडी कलर हो गया, पीछे वाइपर और डिफॉगर भी हो जाता है, चारों पावर विंडो हो गए, पावर स्टीयरिंग हो गया, एसी हो गया, हीटर हो गया, और म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड है सर? हाँ, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम होगा। ओके, सीट के ऊपर बहुत बेहतरीन लगे हुए हैं, लेदर के लगे हुए हैं, मैटिंग भी अच्छी पड़ी हुई है, गाड़ी में कुछ भी नहीं करना है। ओके, लोडेड गाड़ी होगी। ओके, और फर्स्ट क्लास सर कितनी चली हुई है? 42,000 चली हुई। ओनर से फर्स्ट, फर्स्ट ओनर, आस्किंग हो गया, आस्किंग प्राइस हमारी इसकी करते हैं 3,90,000 रुपए की, 3,90,000 जो कि कम हो जाएगा, ये भी 5 लाख के अंडर ही मिल जाएगी। हाँ,
बहुत अच्छी बहुत लंबी बार्गेनिंग तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बार्गेनिंग हो सकती है। ओके, और फर्स्ट क्लास गाड़ी है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी आपको दिखा देते हैं। ओके गाइस, तो जो नेक्स्ट गाड़ी है हमारी i10 है सर। हाँ। जो कि हुंडई की ही है, हुंडई की i10 है, वाइट कलर। हाँ, वाइट कलर में गाड़ी हो गई। मॉडल इसका 2014 का है। ओके, फर्स्ट ओनर होगी। स्पोर्ट्स वेरिएंट है ये। स्पोर्ट्स वेरिएंट, जी हाँ। सर, इसमें टॉप मॉडल कौन सा आता है? आस्टा टॉप मॉडल। आस्टा, ओके। और ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है? ये स्पोर्ट्स मिड मॉडल हो जाता है, इसके नीचे का हो गया। ओके, इसमें चार वेरिएंट आ रहे थे। एक एरा होता था, ओके, फिर आपका मैग्ना होता था, मैग्ना के बाद फिर आपका स्पोर्ट्स होता था, फिर आस्टा, और फिर आस्टा। ये चार वेरिएंट थे इसके। ओके सर, पेट्रोल डीजल है? पेट्रोल में ही थी उस समय। 2013 से जब ग्रैंड i10 आई है तभी से डीजल की शुरुआत हुई, नहीं तो i10 पहले पेट्रोल ही आ रही थी। ओके, ग्रैंड i10 से डीजल की शुरुआत हुई i10 में, और ये पेट्रोल पे ही होगी। फर्स्ट ओनर, मॉडल 2014 का। चली कितनी है? स्पोर्ट्स वेरिएंट है, 70,000 चल गई है ये। ऑन रिकॉर्ड, पूरी तरह से ऑन रिकॉर्डेड होगी। ओके, और फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में होगी। और बाकी तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ सर स्क्रैचलेस हैं, क्योंकि मेंटेन करके ही दी जाती है गाड़ियाँ। भी अगर कोई कमी बेसी होती है तो वो हम कंप्लीट करके देते हैं। आपको किसी भी गाड़ी में कुछ भी नहीं करना है, और जैसे मैं बोलता हूँ 6 महीने की हमारी इंजन की गारंटी भी होती है। इंजन हो गया, गियर बक्सा हो गया, बैटरी हो गया। ओके, बाकी अपनी संतुष्टि के लिए उसको आप चेक कराइए, दिखाइए, जब आपको लगे कि हाँ ये सब कुछ जेन्युइन है, लेने वाली है। ओके, तो फिर आगे की बात करी जाएगी। ओके सर, रही बात प्राइस की, अगर प्राइस की बात करूँ, थोड़ा बहुत जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि प्राइस हाई है, ऐसा कुछ है? देखिए, सेकंड हैंड कार में कंपेरेबिलिटी आप कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। कंपेरेबिलिटी तो नहीं करी जा सकती है। आपने कैसे रखी, मैंने कैसे रखी, आपने क्या तरीके उसके बनाए और मैंने क्या रखे, तो मैं तो देखता हूँ। लोग 6 महीने में मेरे पास में गाड़ी लेके आते हैं, 6 महीने में कूड़ा बना के रख देते हैं उसको। और मैं ऐसी भी गाड़ियाँ देखी जो दसियों साल की गाड़ियाँ हैं और बहुत खूबसूरत रखी हुई है। तो आप गाड़ी पे जाइए, ये सब कंप्लीट गाड़ियाँ हैं, इनमें कुछ नहीं करना है आपको, गारंटी के साथ में मिलेंगी। सर, आस्किंग आस्किंग प्राइस की बात करूँ तो 325 की, 3,25,000 रुपये की हमारी इसकी डिमांड, जो कि कम हो जाएगा। सर, मॉडल कौन सा बताया? 2014। फीचर भी आपके सारे हो गए, चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एसी, हीटर, सिस्टम एंड बेल्ट, सारा कुछ होगा। सीट कवर हो गया, बहुत बेहतरीन पड़े हुए हैं। मैटिंग मैटिंग कुछ भी नहीं करना आपको, पूरी मेंटेन ही गाड़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी आपको दिखा देते हैं। ओके गाइस, तो जो नेक्स्ट गाड़ी है हमारी सेलेरियो है, सुजुकी की। हाँ। ओके, और ये भी मॉडल की बात करता हूँ, 2019 का मॉडल है इसका। 2019 मॉडल, जी हाँ, VXI वेरिएंट होगा ये। ओके, फर्स्ट ओनर है, नंबर लखनऊ का हो गया। 16,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। ओके, ऑन रिकॉर्डेड होगी, फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में, कोई भी टायर नहीं बदले गए, सारे टायर गाड़ी के साथ के लिए गाड़ी के साथ के हैं सर। स्टेपनी ब्रांड न्यू रखी होगी, सीट कवर लेदर के रखे हुए हैं। ओके, आपके इसमें एयरबैग भी मिल जाएगा आपको, चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एसी, हीटर, म्यूजिक सिस्टम आपका लगा हुआ है इसमें। ओके सर, एयरबैग बड़े हुए हैं, तो कुछ भी नहीं करना है। मॉडल भी 2019 का हो गया। सर, पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल, पेट्रोल है। ओके सर, आस्किंग क्या रखी की है? आस्किंग तो हम इसकी 475 की करते हैं, 4,75,000 रुपये की करते हैं, जो कि कम हो जाएगा। जब भी आप बैठे होंगे तो बार्गेनिंग हो सकती है। ओके सर, ये न्यू में सर कितने की आती? लगभग अगर कहूँ तो 6 लाख रुपए के आसपास की गाड़ी है ये। 6 लाख रुपए के आसपास की। हाँ। और सर, इसमें कितने सीसी का इंजन मिल जाएगा? 1000 सीसी का 3 सिलेंडर का इंजन होता है इसका। ओके, तो में इंजन आ रहा था, वही इंजन इसमें भी था। ओके, आस्किंग आपने बताई, और माइलेज इसका बहुत अच्छा होता है, 18-20 के आसपास का माइलेज देती है। आस्किंग हमारी 4,75,000 की है। 4,75,000, जो कि कम बिल्कुल हो जाएगा। जब भी आप बैठे होंगे तो बार्गेनिंग करिए। ओके सर, तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी दिखा देते हैं। नेक्स्ट गाड़ी हमारी अल्टो है। ओके गाइस, तो जो नेक्स्ट गाड़ी हमारी ब्लैक कलर की सर अल्टो है। हाँ, अल्टो, ये कौन सर का मॉडल है? 2008 का मॉडल है इसका। LXI, LXI वेरिएंट होगा। ओके, फर्स्ट होगी, नंबर लखनऊ का है। गाड़ी समय चल चुकी है 55,000 किलोमीटर। ओके, 55,000 किलोमीटर चली हुई है। हाँ, बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी होगी, अंदर बार कुछ भी नहीं करना, सीट कवर हो गया, लेदर के पड़े हुए, LXI है तो पावर स्टीयरिंग हो गया, एसी हो गया। ओके, ब्लोअर भी है इसमें, और पूरी गाड़ी मैंने रेडी कर रखी है। तो चाहे मैं बॉडी लाइन से बात करूं, चाहे टायर की बात करूं, सस्पेंशन, सस्पेंशन, क्लच, ब्रेक, हर एक चीज़ रेडी होगा, मेंटेन है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको चलाना है। ओके सर, चली कितनी हुई है गाड़ी? ये चल गई 55,000 किलोमीटर। 55,000 किलोमीटर चली हुई है। आस्किंग क्या रखी गई है सर? आस्किंग प्राइस तो हम 150 की करते हैं, बाकी जब भी बैठे हो आप इसमें बार्गेनिंग करी जा सकती है। ओके, तो यानी आज 1 लाख प्राइस एक अलग चीज होती है, जो कि डिमांड होती है, कस्टमर एक डिमांड कुछ भी कर सकते हैं, अलग चीज। जब आप बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करी जा सकती है। ओके, तब आपको लगता है, पहले आप उस चीज़ को भी देखिए जिसकी बात कर रहे हैं, आप इसको देखिए आके, आपको लगे कि हाँ ये इस प्राइस में लेने वाली है। ओके, तो फिर बात करी जाए इसकी। ओके, और बाकी जितनी प्राइस बताते हैं वो आस्किंग होती है आपको? बार्गेनिंग तो आदमी करता ही करता है। ओके, मैं एग्जिट प्राइस भी बता दूँ तब भी आप बार्गेनिंग करोगे। ओके, तो होता है ये, बाकी जब भी आप बैठे होंगे पहले चीज़ भी तो देखिए ना, जिस चीज़ की आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ के रेट देख रहे हैं, देखिए क्या वो उस लायक है कि नहीं है। ओके, तो आप आइए बैठिए। और बाकी इसकी आस्किंग प्राइस? आस्किंग प्राइस तो 1.5 लाख है। एक्चुअली हम लोग पार्किंग सेल पे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, मेरे पास में पार्किंग सेल पे गाड़ियाँ होती है, कस्टमर अपनी गाड़ी खड़ी करके जाता है कि भैया हमारी नीड ये है। बाकी जब भी होता है मैं बात कराता हूँ, कस्टमर से बात होती है,
और आप ले जाइए। उस बीच में ये ऑप्शन होता है कि अगर मैं कस्टमर के थ्रू गाड़ियाँ खड़ी होती मेरे पास में, उसमें मैं कमीशन ले लेता हूँ, 2% कमीशन ले लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने 1,25,000 रुपए की गाड़ी दी आपको तो 2,500 रुपए हमारा कमीशन बनता है। ओके, जो भी बार्गेनिंग हो जाए आपकी, मुझे क्या फर्क पड़ता है उसमें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी आपको दिखा देते हैं। ओके, बाकी इसकी आस्किंग प्राइस 1.5 लाख थी, जो कि 2008 का मॉडल था, अल्टो थी। तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी आपको दिखा देते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट गाड़ी है हमारी हुंडई की सर i10 है, जो कि रेड कलर पे है। इसको रेड भी नहीं कह सकते हैं सर, चेरी कलर हो गया ये। ओके, और बाकी ईयर कौन सा है? 2011 मॉडल की गाड़ी है। ओके सर, इसके बंपर्स 2011 में पॉलिशमेंट मैंने किया है, इसके बंपर भी किया है, मैंने साइडें भी करी हैं। ओके सर, और छोटे मोटे काम थे जो वो भी किए हुए हैं। ओके, और बाकी चली कितनी हुई है गाड़ी? ये जो चल रही है लगभग सर 58,500 किलोमीटर चली हुई है। ओके, गाड़ी होगी, नंबर आपका लखनऊ का हो गया। ओके, और सर अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी किसी भी गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स में? जो भी गाड़ियाँ मेरे पास में होती हैं वो पूरी तरह से जांची परखी होती हैं। ओके, अगर आप लोग कुछ भी चीज़ पूछते हो, मुझे लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ इस चीज़ का वहाँ से नहीं, बहुत समय हो गया है, तो मुझे भी मालूम है क्या क्या चेक करना, क्या क्या देखना। छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, हर एक चीज़ चेक करी हुई होती है। ओके, और मुझे लगता है कि गलती नहीं हो सकती है। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक चीज़ कंप्लीट होगी, ट्रांसफर करा के दूंगा, एनओसी दूंगा। ओके, बाकी आप उसको चेक करिए, दिखाइए, आपको लगे कि हाँ सब कुछ जेन्युइन है तो बात करें। ओके सर, तो सर आस्किंग क्या रखी गई है? आस्किंग प्राइस की बात करें तो आस्किंग प्राइस तो हम 2,40,000 रुपये की करते हैं, बाकी निगोशिएबल है, जब भी बैठे होंगे तो बात कर सकते हैं। आखिरी की लास्ट की गाड़ी है, 2011 की नवंबर के आसपास की गाड़ी है ये। ओके सर, और बाकी इसमें भी कम हो जाएगा, माने नहीं रखता है, निगोशिएबल है, जब भी आप बैठे होंगे तो इस पर कम करी जा हो जाएगा। ओके गाइस, तो आप लोग को आज मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दिखाई, जो कि सर लो बजट में भी थी, 5 लाख के अंदर थी जितनी गाड़ियाँ, और अगर लोन से लेकर के और 5 लाख के अंदर ही थी। ओके, और बाकी अगर सर लोन फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपका लोन फैसिलिटीज अवेलेबल है? देखिए बहुत नीचे के मॉडल है तो उस पर नहीं हो सकता है। ओके, फिर भी 2013 के बाद की जो भी गाड़ी 2013 या 13 से भी कर लूँगा तो 13 वाली गाड़ी पे भी 2 साल का फाइनेंस हो सकता है। ओके, और 12 चले जाएंगे तो 21 साल रह जाएगा, 11 पे बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो 13 के बाद इसीलिए बोलते हैं कि आदमी करीबन 3 साल का तो कराता ही कराता है, तो 14 मॉडल गाड़ी होगी वो 3 साल के लिए फाइनेंस हो सकती है, इसके ऊपर जितनी भी होगी वो 4 साल और 5 साल के लिए हो सकती है। ओके सर, अगर सर डाउन पेमेंट की बात करें तो कितने परसेंट पहले जमा करना पड़ता है? 30% डाउन पेमेंट होगा और 70-75% का फाइनेंस हो जाएगा। नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरी आपके अकाउंट में होनी चाहिए, सैलरी स्लिप या फॉर्म 16, अगर आप बिजनेस में हैं तो ITR चाहिए, खेती किसानी करते हैं तो खतौनी चाहिए, अगर तीनों चीज़ें नहीं करते हैं आप तो बैंकिंग अच्छी होनी चाहिए और घर अपना होना चाहिए। ओके, सिविल स्कोर आपका अच्छा हो तो फाइनेंस भी हो जाता है। ओके सर, और मेरा शोरूम ये बेस्ट फोर व्हील्स के नाम से शोरूम है, निराला नगर लखनऊ में। ओके, A30 निराला नगर, अपोजिट ICICI बैंक, नियर रामकृष्ण मठ लखनऊ। मेरा नाम सुबोध तिवारी है। आपका नंबर सर? मेरा मोबाइल नंबर है 9335-346-113। किसी भी गाड़ी के बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए आप मुझे कॉल करिए, मैं बताऊंगा। आप कभी यहाँ पे भी आते हैं तब भी आप आइए, मुझे कॉल करिए, मैं मिलूंगा आपको, और जो भी गाड़ी देखना चाहते हैं मैं दिखाऊंगा। और सर का भी एक चैनल है सुबोध तिवारी ऑफिशियल के नाम से, उसका लिंक आप लोग को नंबर के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी तो मेरे चैनल में भी जाके आप देख सकते हैं। दो वीडियो डालता रहता हूँ, जो भी गाड़ी मेरे पर लेटेस्ट आती रहती है या जो भी रिक्वायरमेंट लोगों की होती है, आप लोग डिमांड भी कर सकते हैं कोई गाड़ी की, तो वो सर दिखा देते हैं। ओके गाइस, तो आप लोग को पूरी लोन फैसिलिटीज के बारे में बता दिया, तो एनओसी के बारे में बता देते हैं सर, एनओसी अवेलेबल है? एनओसी अगर एनओसी चाहिए तो एनओसी मिल जाएगी, ट्रांसफर तो ट्रांसफर, सब कुछ कागज। ओके, किसी भी जिले के लिए? और बाकी सर लोन उत्तर प्रदेश वालों के लिए अवेलेबल है या ऑल इंडिया? देखिए ऑल इंडिया में जो होता है, या तो फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या पेपर बहुत अच्छे हो उसके, ये इस तरह से तो बाहर भी हो सकता है। ओके, और नहीं तो ऑल ओवर यूपी। ओके, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, आप लोग को सारी डिटेल दे ही चुका हूँ। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करेगा और साथ ही सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अच्छा अच्छा कलेक्शन लाते रहते हैं, चाहे प्री ओन्ड बाइक्स का हो, चाहे प्री ओन्ड कार्स का हो, चाहे प्री ओन्ड कमर्शियल व्हीकल का हो। और आप लोग को मैं वीडियो की एंड में पूरी डिटेल भी दे देता हूँ फाइनेंस की, तो आप लोग देख सकते हैं, उसमें आप लोग को डॉक्यूमेंट्स की भी डिटेल मिल जाएगी, एनओसी की भी डिटेल मिल जाएगी। ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।